कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कसडोल विधानसभा से संदीप साहू को मैदान में उतारा गया है। पलारी में संदीप साहू का वर्तमान विधायक शकुंतला साहू सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। संदीप साहू ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी विधानसभा सीट जो कसडोल विधानसभा है और बाबा सिद्धेश्वर की नगरी पलारी में जो संदीप साहू जी हैं यहाँ कसडोल विधानसभा से प्रत्याशी चुने गए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि कसडोल विधानसभा उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी और आगे उनका क्या रणनीति रहेगा। संदीप भाई बताएंगे, कसडोल विधानसभा में अभी आप प्रत्याशी घोषित हुए हैं जी, तो क्या सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करता हूं, कसडोल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके कारण मैं आज इस इतने बड़े राष्ट्रीय दल का प्रत्याशी घोषित हुआ हूं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है और चुनौती में कार्य को जो इतना बड़ा विधानसभा है तो कैसे मैं अच्छा कार्य कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने विधायक बनने के बाद लोगों के सेवा कर सकूं ऐसा मैं काम करने की कोशिश करूंगा। यहाँ ये देखेगा कि दावेदार भी काफी अधिक थे, कांग्रेस पार्टी से काफी अधिक दावेदार थे, 50 से अधिक दावेदार थे, तो कहीं न कहीं उनकी नाराजगी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल सभी देखिए, पार्टी जब भी दावेदारी का समय होता है हर कोई दावेदारी करता है और सब हम लोग एक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और थोड़ा बहुत कोई भी बात है हम सब एक हैं, पार्टी के सब कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सब बैठ के और आदरणीय हमारे जो कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ जन हैं जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठ के एक रास्ता निकाल के और सब एक होके इस चुनाव में काम करेंगे।